जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रहे रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं से शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा के साथ हो रहे बारिश से शहर के कई सड़कों के किनारे जगह जगह पेड़ गिरने से शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। वैसे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। उधर शहर की दोनों प्रमुख नदियां खरकई और स्वर्णरेखा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 24 घंटे तक इसी तरह से बारिश की संभावना बनी हुई है। क्या समस्या हो रही है पानी को लेकर? समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कि यहाँ रास्ता बन नहीं रहा है। आने जाने के लिए ड्यूटी के एक्सीडेंट होने का संभावना है। जो अनजान आदमी है उसको बहुत सारा दिक्कत है। हम लोग तो मतलब डेली आना जाना कर रहे हैं, हम लोग को पता है कैसे जाना, लेकिन आम आदमी आता है गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन देखिए चाची अंकल और चाचा जी गिर गए थे, बहुत सारा दिक्कत है। कौन सा रोड है ये? साउथ गेट से लेकर सिंकुंग गेट तक रास्ता जाने वाला रोड है, बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए पानी का मशीन लगाया हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है, पानी कम किया है। ठीक, हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।